नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ हमारे एनवायरनमेंट में पाई जाने वाली गैसों के बारे में। क्या आप लोगों ने कभी सोचा है जो हमारे एनवायरनमेंट में गैसें पाती है इनका यूज क्या होता है, अगर ये गैसें ना होती तो क्या होता? चलिए आज मैं आपको बताता हूँ इसके बारे में। जैसा कि आप सब जानते हैं हमारे एनवायरनमेंट में मेनली तीन गैसें पाती हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, जहां नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% तथा CO2 0.03% पाती है। क्या आप लोगों ने कभी सोचा है नाइट्रोजन इतने अधिक परसेंट पाई जाती है, लेकिन इसका यूज क्या है? तो चलिए आपको आज मैं आपको बताता हूँ इसके बारे में। इस नाइट्रोजन का मेनली यूज होता है प्लांट की ग्रोथ के लिए होता है, इसके द्वारा ही पेड़ पौधों की वृद्धि होती है। यदि ये नाइट्रोजन ना होती है तो शायद पेड़ पौधे की वृद्धि ही रुक जाती है तथा पेड़ पौधे शायद यहीं पर सूख के समाप्त हो जाते हैं। तथा इसका मनुष्य जीवन में बात की जाए तो हम जो फल फूल सब्जी इत्यादि ग्रहण करते हैं उसके द्वारा हमारे शरीर में नाइट्रोजन पहुंचती है तथा ये नाइट्रोजन हमारे शरीर में प्रोटीन के रूप में उपलब्ध होती है, जिससे हमें न्यूक्लिक एसिड अर्थात डीएनए तथा आरएनए मिलता है। यदि इसके कंजप्शन की बात की जाए तो 50 kg का व्यक्ति पर डे 5.25 ग्राम नाइट्रोजन कंज्यूम करता है। इसे आप अपने वेट के अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर सकते हैं, जितना वेट आपका अधिक है या कम है आप इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आती है दूसरी गैस मेनली ऑक्सीजन। आपने इस कोरोना पैंडेमिक में देखा ही होगा कि इस ऑक्सीजन के कारण कई लोगों की मृत्यु हुई तथा कई लोगों ने अपना जीवन खोया। आप सब इसे समझ गए होंगे कि ऑक्सीजन का मेन यूज जो होता है श्वसन क्रिया में होता है। अब आती है हमारे पास तीसरी गैस CO2, जो बहुत कम मात्रा में अर्थात 0.03% पाती है। इसका यूज क्या है, क्या आपने कभी सोचा अगर CO2 ना होती तो क्या होता? आज मैं आपको बताता हूँ उसके बारे में। CO2 का मेन यूज जो होता है ये पृथ्वी के टेम्परेचर को कंट्रोल करती है। अगर ये CO2 ना होती तो आज हमारे इस पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं होता, क्योंकि हमारी पृथ्वी इतनी अधिक ठंडी होती कि यहाँ जीवन संभव ही ना पाता तथा हम जैसे कोई भी जीव इस पृथ्वी में जन्म नहीं ले पाते। यदि ये CO2% अधिक हो जाएगी तो हमारी पृथ्वी बहुत अधिक गर्म, यदि इसलिए हमारे इस पृथ्वी में जीवन संभव क्योंकि इसकी एक लिमिटेड क्वांटिटी दी गई है 0.03%। अगर इससे अधिक होती तो भी शायद यहाँ जीवन संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि बहुत अधिक टेम्परेचर बढ़ेगा तो ग्लोबल वार्मिंग तथा बाढ़ ऐसी आफतें आने लग जाएंगी तथा इतनी मात्रा लिमिटेड है इसकी, इसी कारण यहाँ जीवन संभव है तथा पृथ्वी में नियर टेम्परेचर है। दोस्तों यदि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए तथा जल्दी ही आपके लिए मैं SSC MTS SSC GD का बैच लाने वाला हूँ। धन्यवाद।